फिट्सविले जिम में मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज करी एंड इस जिम का ओपनिंग किया है. बहुत सारे लोग आए यहाँ पे. नया फोर बंगलो में नया जिम ओपन हुआ है. मुझे बहुत अच्छा लगा जिम. इक्विपमेंट जो है स्पेशली बहुत अच्छे हैं और डेफिनेटली मैं तो यहाँ पे आने वाली हूँ फिट्सविले जिम में. एंड जुम्बा है यहाँ पे, मैं डांस बहुत करती हूँ. योगा है, बॉडी कॉम्पैक्ट जिसको कहते हैं, ग्रुप एक्सरसाइज और अच्छे इक्विपमेंट है. तो मुझे लगता है इट्स वेरी नाइस जिम, आई लाइक इट. यस, पुराना वैसे बहुत सारे जिम में हम जाते रहते हैं. मूड हमारा थोड़ा मूडी है ना हम लोग, तो अलग अलग जिम में जाना बहुत ज़रूरी है. मैं कल से यहाँ पे जिम करने आने वाली हूँ. कल से आई एम गोइंग टू कम हियर फिट्सविले जिम में, फिक्स हो जाऊंगी. मैम, फिटनेस आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कुछ आप बताइए. बहुत इम्पोर्टेंट है. फिटनेस नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है. योगा करती हूँ मैं डांसिंग करती हूँ, जुम्बा करती हूँ, किक बॉक्सिंग करती हूँ, स्पिनिंग करती हूँ, वेट ट्रेनिंग करती हूँ. और फिटनेस बहुत ज़रूरी है, हेल्थ है तो वेल्थ है. और हर किसी को ग्लैमर हॉट सेक्सी दिखना है तो जिम इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैम, जैसे कि आप बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में आप हमेशा से नंबर वन स्टार रही है, तो कभी ये रहे इनके ऑनर. आइए 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 आइए, ये देखिए, ये इस फिट्सविले जिम के ऑनर है. और थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा जिम बनाया है. इक्विपमेंट बहुत अच्छे हैं, जुम्बा किक बॉक्सिंग वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. एंड इट्स वेरी नाइस. राखी जी ने कीमती समय लेकर आ जाए हैं, तो इनके लिए क्या आप देने वाले फ्री में? राखी जी जब चाहे, हमारा 24/7 जिम है. राखी जी जब आए. वाओ, 24/7 गुड न्यूज लोगों के लिए, बिकॉज हम आर्टिस्ट होते हैं एंड हम लोग सुबह चले जाते हैं शूटिंग पे. रात को 9-10 बजे पता नहीं कब पैकअप होता है, कभी 11 बजे कभी 12 बजे. तो यू नो स्पेशली बॉलीवुड जिम में तो ये कहूँगी कि बॉलीवुड वालों के लिए जो रात को जिम कर सकते हैं आके, am I right? Exactly. हाँ, 24 hours gym, wow, that's really nice. मैं कह रही हूँ आप तो कभी आपको परिवारवाद का शिकार हुई आप बॉलीवुड में, तो जिसकी वजह से आपको कोई फिल्म ना मिली हो या ना कभी ना हो? देखिए, लाइफ है, फिल्म मिलती रहती है, नहीं मिलती रहती है, वीडियोज मिलते रहते हैं, नहीं मिलते हैं. ऑफ टीवी आप सीरियल करते हैं, कभी नहीं मिलता है. मैं एक पहली बॉलीवुड की कलाकार हूँ जो कम से कम 8 साल मैंने टेलीविजन, बिग स्क्रीन, हर जगह राज किया है. चाहे टॉक शो हो, चाहे कॉमेडी शो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे आइटम सॉन्ग हो, चाहे फिल्म हो, चाहे रियलिटी शो हो, मैंने अपना नाम हमेशा बनाया है, बहुत मेहनत करी है. और देखिए, अब कभी कभी तो ऐसा होता भी है ना कि हम ही दिखते रहेंगे तो फिर दूसरे नए लोगों को चांस कब मिलेगा. लेकिन परिवारवाद है बॉलीवुड में, आप क्या कहना चाहेंगे? बॉलीवुड मेरा परिवार है और मेरी आखिरी सांस तक मैं बॉलीवुड में ही रहना चाहूँगी. जिस तरह अमिताभ बच्चन जी हैं, जिस तरह धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी हैं, तो उसी तरह मैं भी मेरी आखिरी सांस तक बॉलीवुड में ही रहना चाहूँगी. आप दिख रहे हैं माइकल जैक्सन जैसा दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? मतलब अच्छा, माइकल जैक्सन ड्रेसअप आपने भी जैसे देना है, क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली इनका जो ये इनका इन्होंने ब्लैक कलर ही पहना है ना, इनके सारे लोगो और थीम जो इनकी ब्लैक कलर ही है, इनके सारे इक्विपमेंट ब्लैक कलर के हैं, तो मैं भी एकदम पूरा एकदम ब्लैक ड्रेस बनकर आई. ऐसा कोई बॉलीवुड एक्टर है या एक्ट्रेस उसको आप बोले कि जिम में आए? और हाँ, मैं ऋतिक रोशन के साथ वर्कआउट करती हूँ, आमिर खान के साथ वर्कआउट करती हूँ, मैं शाहिद के साथ वर्कआउट करती हूँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, बहुत शाहरुख के साथ, ऑफकोर्स शाहरुख के साथ वर्कआउट करती हूँ. प्रवीण है उनका ट्रेनर, अभी तो उन्होंने अपनी पर्सनल जिम खोली है प्रवीण ने, बट मैं सभी सबके साथ वर्कआउट करती हूँ. तो मैं सभी बॉलीवुड को कहना चाहूँगी, स्टारों को, कि अगर रात को आपका 1-2 बजे तक भी पैकअप होता है तो आप ये फिट्सविले में आके वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने बाप का जिम है. और जैसे कहते हैं ना, ये मेरे बाप का घर है इसलिए दरवाजा खुला रहेगा इस जिम का हमेशा, तो ये अपने बाप का जिम है. फिट नहीं है, मतलब जिसकी तोंद निकली हुई है या क्या? इसकी तोंद है यार अभी तक. मेरे ख्याल से तो आजकल तो सब लोग ही फिट है. कौन 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 नवाजुद्दीन जी जो है
वो मेरे साथ योगा करते हैं, बट हाँ मैं उनको कहूँगी कि उनकी वाइफ और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। नवाजुद्दीन प्लीज आप थोड़ा वेट ट्रेनिंग भी कीजिए, थोड़े डोले शोले बनाइए, आप और स्मार्ट लगोगे। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रॉकी बालबोवा जैसी आप एक ऐसी फिल्म करें, आप भूत बने, आप क्या क्या नहीं बने, आप एक रॉकी बालबोवा जैसे, आप बिल्कुल सलमान खान जैसी बॉडी बनाइए आप भी, फिर डिशम 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 करेंगे। हाँ मैं तो बहुत ही शौक हूँ कि मुझे बहुत दुख है कि बाबा रामदेव जी को पीछे क्यों रखा गया, बाबा रामदेव जी मंत्री क्यों नहीं बने, दूसरे सब योगी मंत्री बन रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि समाज का सुधार हो रहा है, सभी साधु संत पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और सभी साधु संत कुर्सी पर बैठ के देश को सुधार रहे हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा पीड़ित हूँ कि हमारे बाबा रामदेव जी को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि सबसे पहले बीजेपी को सपोर्ट करने वाले तो वो थे मोदी जी, आपको उनको कोई तो मंत्री बनाना चाहिए था। वो कब तक चाय बिस्किट बेचेंगे, कब तक साबुन बिस्किट बेचेंगे, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैं चाहती हूँ कि बाबा रामदेव जी मंत्री बने। मैडम जैसे कि मोदी की आपने बात, कब तक आटा बेचेंगे, कब तक आटा बेचेंगे। मैडम आपने जैसे कि मोदी की बात की है, तो आपको लगता है मोदी जी के ऊपर फिल्म बननी चाहिए, बायोपिक बननी चाहिए, कई सारी बायोपिक बन रही है बॉलीवुड में। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मोदी जी ने बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, चाय बनाते बनाते मतलब पीएम बन गए, तो उनकी उनकी आत्मकथा पे, उनके लाइफ पर फिल्म बननी चाहिए। तो आपको कौन लगता है? और मुझे लगता है कि उनकी वाइफ का कैरेक्टर जो इन द फिल्म मुझे मिलना चाहिए। मुझे लगता है परेश रावल जी बहुत बेस्ट उनकी एक्टिंग कर सकते हैं। परेश रावल जी एज अ मोदी बहुत बढ़िया काम करके, मैंने परेश रावल जी के साथ पहले भी काम किया है काफी फिल्मों में, तो फिल्म का नाम था बुढ़ा मर गया, राहुल रावल जी की फिल्म थी, मैंने उसमें काम किया था। परेश रावल जी के साथ बहुत फिल्मों में काम किया है, तो परेश रावल जी और मेरी जोड़ी बहुत अच्छी रही। मैडम आपने जैसे कि बात की, जिम 24/7 है ये पूरा जिम, जहाँ पे महिला भी आ सकती है, लेकिन कर्नाटक की सरकार ने महिलाओं को रात को काम करने से बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया, आप क्या कहना चाहिए? महिलाओं को पीछे एक बैन दिया गया है कर्नाटक सरकार। मुझे नहीं समझ में आता कि कर्नाटका सरकार क्यों महिलाओं को रात को काम करने से मना कर सकती, जब एक आर्टिस्ट, एक बॉलीवुड, एक कहीं के भी आर्टिस्ट हो, जब वो रात को शूटिंग कर सकती है, तो कोई भी महिला रात को रिक्शा भी चला सकती है, बस भी चला सकती है, ऑफिस भी जा सकती है। बट हमारा इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है, बट अभी उनका क्यों उन्होंने रात को मना कर दिया है ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ। मुझे लगता महिलाओं की सुविधा के लिए ही बंद किया होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में। बट अगर हमारे हिंदुस्तान के कानून स्ट्रिक्ट और ज़्यादा सख्त हो जाए, तो मेरे ख्याल से महिलाएं रात को काम कर सकती। मैडम 2017